पतरस की पहली पत्री दूसरा अध्याय। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हैं। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो, मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो और अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हे सेवको, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल भलों और नम्रों के पर कुटिलों के भी, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो।